गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप में अनिल देशमुख पर सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगट अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, अब वो अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में आ गई हैं। रवीना टंडन के गाने में टिप टिप बरसा पानी पर जोरदार डांस करती नजर आ रही है। सोनाली फोगट का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में रुक रुक कर हो रही है बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में हो रही बारिश के चलते हालत बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में घर डूब गए हैं और बाढ़ जैसे हालत हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और मदद में लगी हुई है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने अब सेना से मदद मांगी है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा लगातार देश पर मंडरा रहा है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। जिस तरह कुछ महीने पहले कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं इस बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सीएनएन न्यूज 18 से बातचीत में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण को अपनाने की सलाह दी है और कहा कि सितंबर तक आ सकती है तीसरी लहर। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी केस में मुंबई के क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार शिल्पा शेट्टी का इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आया है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शिल्पा शेट्टी ने किसी बुक का एक पेज शेयर किया है, जिसमें शुरुआत में अमेरिकन ऑथर जेम्स थर्बर का एक कोट लिखा है जो मोटिवेशनल कोट है। शिल्पा ने लिखा है, गुस्से में कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें या डर में कभी आगे ना बढ़ें, बल्कि जागरूकता में चारों ओर देखें। पोस्ट के आखिरी लाइन में शिल्पा ने लिखा है, अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे विचलित होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते काफी तबाही हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालगढ़, थाने और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के चलते हादसों में 31 लोगों की जान गई। रायगढ़ के तलई गांव में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा गिर पड़ा, इसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा लोग लापता है। पेगासस मामले में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। केंद्र के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को फोन टैपिंग मामले में गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा है कि पेगासस एक ऐसा हथियार है जिसे इसराइल की ओर से आतंकवादी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे हमारे खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं।
आपके कोई सवाल हो? A businessman, a leading businessman whose name was there in the offset list. The inquiry is going on in France, but here the government is mum. How do you speak this? Look, I have said very clearly that there has been gross theft in Rafael. None of you people supported me. This is the truth. For whatever reason, none of you people supported me. But the truth has a way of coming out. Look, I have said very clearly that there has been gross theft in Rafael. None of you people supported me. This is the truth. For whatever reason, none of you people supported me. But the truth has a way of coming out. Right? There is an inquiry in France, and you will see the Prime Minister himself is responsible for corruption in Rafael. You'll see it. Right? You can't buy everybody. You might think you can buy everybody. The Prime Minister might think he can suppress everybody. He might buy everybody. You can't. And the reason all those people, you're see, even in your question, you're asking a very interesting question. You're asking it in a very particular way. Why are you not asking why the CBI director's phone was not tapped? Why are you asking me about Anil Ambani? No, you can't ask me. Because this is a mischievous question. The real question is, why on the last minute, When the CBI director was about to file an FIR, why was his phone trapped and why was he blackmailed? That's the real question. And who did it? That's the question. The question is not whether Anil Ambani's phone was trapped. See, so even in your questions, it's all related. No, but you have to ask the correct question. See, you have to ask the precise question. So the answer is, the entire Indian state is under attack. The amazing thing is, you don't know, you don't seem to understand that you are being attacked. Maybe because you are paid, maybe because you have to live with these cameras, maybe. But this is not an attack on Rahul Gandhi, this is not an attack on individuals, this is an attack on the Indian state. सर सरकार लगातार ये कह रही है कि ये जो विपक्ष जिसका इस्तेमाल विपक्ष द्वारा किया गया है उससे तो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जांच से तो इनकार कर रही है, तो ऐसे में आप अच्छा तो एक बात बताइए, अगर इधर अगर कुछ लेना देना नहीं है, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इसराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है, तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं? तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं, हाँ लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे? प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया? बात की सीमा में ड्रोन के जरिए नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कनाचक इलाके में पुलिस ने एक ड्रोन को मार गिराया। माना जा रहा है कि विस्फोटक के साथ उस ड्रोन को सीमा पार से भेजा गया था। पेगासस स्पाईवेयर कंट्रोवर्सी में एक नया खुलासा हुआ है। इस लिस्ट में पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का नाम भी शामिल है। न्यूज वेबसाइट द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने 2018 में सीबीआई के पूर्व प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके फौरन बाद ही वर्मा का नाम पेगासस की कथित लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपार के वारपोरा गाँव में कल रात से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए। दोनों ही आतंकवाद संगठन लश्करे तैयबा के थे। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शुक्रवार को उनकी ताजपोशी होने वाली है। ऐसे में अब खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रात भर हुई भारी वर्षा कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालत हो गई है। भारी बारिश में महाराष्ट्र की चिपलुन सिटी में भी भीषण बाढ़ आ गई है। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं, यहां तक कि बस डिपो पूरा डूब गया है। शहर के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने के लिए ट्विटर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मदद मांगी है। मोदी सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने इन किसानों की तुलना
मवालियों से की है। इस बयान के बाद सियासी बवाल बढ़ना तय है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो चलते रहेगी, यहाँ पर अपनी बात लोग कहते रहेंगे। आप लोग राष्ट्रपति भवन में जाने वाले थे, उसको लेकर के? नहीं नहीं, हमारा राष्ट्रपति भवन का कोई प्रोग्राम। टिकट साहब, एक साल से अन्नदाता की बात सरकार नहीं सुन रही है, आगे अच्छा सुन लेगी, वही बताओ हमारे क्या हाथ में है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का ये भी एक तरीका है, लोग वहाँ पर बैठे और यहाँ पे हम अपनी बात करें। हाँ, बड़ा आंदोलन, बड़ा आंदोलन। आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या आगे का पता नहीं भाई, अभी तो जब तक पार्लियामेंट चलेगी जब तक हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे, आगे का आंदोलन वहाँ पे धरना चल ही रहा है हमारा। बातचीत कैसे शुरू होगी? बातचीत तो भाई सरकार अगर चाहेगी तो बातचीत शुरू हो जाएगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगी। लेकिन तोमर साहब कहे कि आपकी तरफ से बातचीत शुरू? नहीं नहीं, जब वो कंडीशनल बात करना चाहेंगे तो कंडीशनल बात किसान नहीं करेगा। अच्छा, हमेशा मीडिया में बोल देते कि हम बात करना चाहते, लेकिन जब वो कोई उनका कोई चिट्ठी पत्री लेटर कुछ नहीं उनका। आज का दिन कैसा? दिन ठीक रहा, वो तो सोचने वालों का है कि प्रेस वाले इसको कैसे सोचते हैं, तो उसके हिसाब से वो कैसे इसको दिखाएंगे उस हिसाब से ठीक रहा। आज का दिन ठीक रहा, यहाँ पे आए लोगों ने अपनी बात रखी और पार्लियामेंट के गेट पे आए, यहाँ पे जंतर मंतर पाए, अपना धरना दिया, अपनी बातचीत रखी। जो किसान पंचायत थी उसका नाम किसान संसद रखा। अच्छा, आपके बड़े भाई साहब ने आज बयान दिया कि टिकट परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा। हाँ तो ठीक दिया, लेकिन 5 सितंबर को ये तय किया जाएगा किस पार्टी का समर्थन करते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, चुनाव संबंध में वहाँ पे क्या होना है वो 5 सितंबर होगा, ना हम चुनाव लड़ेंगे ना हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। मुद्दा क्या रहा सदन? देखो मुख्य मुद्दा ये है कि जो 3 कानून है उस पर बातचीत हुई, उस पर क्या किसानों को नुकसान हुआ, सब किसानों ने आप अपने स्टेट की बात यहाँ पर रखी और यहाँ पर जो इशू थे उनको साझा किया। आपने भी बात रखी अपने? हाँ बात रखी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज एक बात कही। हाँ, मोबाइल नहीं बताया किसानों को। हाँ, किसानों को तो कह ले भाई, यहाँ पे सड़क पर बैठे हमारा घर नहीं, दर नहीं, टेंट लगा के बांस के उसमें लग रहे, तो उनको तो हम मोबाइल नहीं दिखे हैं, दिखे हैं बड़े लोग हैं वे, उन्हें हम छोटे लोग मोबाइल नहीं दिखते हैं। किसान झोंपड़ियों में रह रहा ना 8 महीने से, तो उनको मोबाइल नहीं दिखते हैं। किसानों ने जो है नेताओं को संसद में बिठाया, वो अंदर एसी में बैठ के 35 रुपए की नॉनवेज की थाली, 18 रुपए की वेज की थाली खा रहे हैं, और आप सड़क पे बैठ के? अरे हम भी खा रहे हैं, हम फिर की खा रहे हैं, गुरुद्वारे से आ रहा खा ले तो उन्हें भी क्या करेंगे वे, जब गांव में जाएंगे वोट मांगने तो लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब जरूर ये तैयार करके देंगे। CISCE शनिवार की कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ICSE और ISC बोर्ड के परिणाम जारी करेगा। CISCE ने अपने वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बोर्ड के नतीजे शनिवार 24 जुलाई दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज इलाके में हुई भारी वर्षा की वजह से बाढ़ जैसी हालत बन गई है। यहाँ बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कारें पानी में डूब गई है। भारी बारिश के बाद गाँव के कई जगह कच्चे घर गिर गए हैं। वहीं नदी में गिर जाने से एक 14 साल की बच्ची की मौत हो गई है। ग्राम अथाई केड़ा में करीब 10 कच्चे घरों का नुकसान हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।